बस्तर से बीजेपी सांसद दिनेश कश्यप ने सीएम भूपेश बघेल पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सांसद दिनेश का कहना है कि सरकारी कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार पर महेंद्र वर्मा के बेटे आशीष को डिप्टी कलेक्टर बनाने पर आड़े हाथों लिया है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को नक्सली हिंसा पीड़ित हर परिवार के सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। सरकार को पार्टी केंद्रित लोगों को लाभ देने की जगह हर व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में आशीष वर्मा को डिप्टी कलेक्टर बनाने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। ये कैबिनेट का मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितने भी उस नक्सली घटना से जो पीड़ित हैं, यदि राज्य सरकार एक परिवार के प्रति, एक कांग्रेस के होने के कारण से यदि उसको ऐसा उपकृत कर सकती है, तो बाकी जो पीड़ित हैं, चाहे किसी भी वो अशिक्षित भी हो, तो उसको नौकरी देने की प्राथमिकता उनको रखनी चाहिए। देखिए, नक्सली घटना की वजह से जैसे चौबे जी के बेटे को भी इस तरह का वो किया गया था, हो सकता है नक्सली के घटना कारण उनको भी